है ये सबसे बड़ी जो है वो हमारी गलती होती है। बाद में हमें उसकी नदामत होती है, लेकिन तब वक्त चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों का जो मेरा बताने का जो मेरा मकसद ये है कि आंकड़े भी बताना और साथ साथ में आपने अभी तक कितना साथ दिया और आपकी साथ देने की वजह से और आपके SOPs फॉलो करने की वजह से कितनी जो है वो कोविड की मैनेजमेंट में, कोविड की मिटिगेशन में और जो पेशेंट्स हैं उनके यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आने में जो कमी हुई है, मतलब कि बेहतरी हुई है, उस बेहतरी को जो है वो आप लोगों ने नज़र में रखना है। इस बेहतरी को इसी तरीके से अगर हम आने वाले टाइम में भी, जो 10 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर उन 10 दिनों में भी हम इसी तरीके से काम करते रहे बिना किसी ज़रूरत के या गैर ज़रूरी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे, SOPs का फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक जो है वो अपने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो स्टेबिलाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बताया है वो भी आने वाले 10 दिनों के अंदर जो है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं, मतलब 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो मैसेज पढ़ के अच्छा भी लगता है। और बहुत दूसरी चीज़ ये है कि हम दोनों एक हैं, आप ये ना समझें कि पुलवामा की आवाम अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, हम बेसिकली एक हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसी की दुकानें सील करूँ या मैं लोगों की गाड़ियाँ सील करूँ या सीज करूँ या मैं किसी किस्म का जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, खुदा गवाह है इस चीज़ का, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरे लिए आपकी जान आपसे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे वो प्यारी है, मुझे उसकी कीमत है कि छोटी सी गलती की वजह से, अब गलती किसकी है, अगर हम उस चीज़ पे जाएंगे तो हम उस जान को वापस नहीं ला सकते। तो ये जो मेरी अपील है आपके ज़रिए, जो हमारे यहाँ पे मीडिया के हजरात हैं इनके ज़रिए जो मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ, वो सिर्फ अपील का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जान जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत कीमती है, जिसका कोई बदल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जान जो है वो है तो जहान है, अगर पुलवामा में खुशहाली तभी आएगी जब हम सारों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होगी, तो छोटी सी गलती की वजह से, छोटे से फ़ायदे के लिए अपनी जान की बाजी जो है वो हरगिज़ ना लगाएं। मेरी आपसे यही अपील है। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।